मंगलवार 11 सितंबर को सूरत के कपोदरा इलाके के भूलका सागर स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में 35 स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इन छात्रों ने 52 अलग अलग तरह के विज्ञान से जुड़े हुए मॉडल्स यहां पर पेश किए और बनाए, जिसके माध्यम से उन्होंने विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को लोगों के सामने रखा, जिसे देखने के लिए 3500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ आकर हिस्सा लिया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने विज्ञान के अहम पहलुओं और नए नए आविष्कारों को लोगों के सामने मॉडल्स के रूप में पेश किया और जिज्ञासा के तौर पर लोगों ने इन्हें जानने की भरसक कोशिश की। यहाँ पे लगभग 35 स्कूल और 52 जैसी अलग अलग कृतियाँ आई है साइंस फेयर के लिए, जिसमें आज ये सीखने को मिल रहा है बच्चों को कि जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी फायदा कारक है और कितनी गैर फायदे कारक है। इस विज्ञान प्रदर्शनी का मकसद आमतौर पर जो छात्र सिर्फ किताबों के ज्ञान तक सीमित रहते हैं उन्हें वहां से निकालकर प्रैक्टिकल दुनिया के ज्ञान को भी दिलाना था। इसका उद्देश्य ये भी था कि छात्र नए नए प्रयोगों के जरिए अपने अंदर छिपी हुई क्षमता और कौशल को बाहर ला सके। उद्देश्य सिर्फ यही है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए या फिर सिर्फ बुक्स का नॉलेज नहीं होना चाहिए, बच्चों को उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए तभी वो पॉसिबल बनेगा जब प्रोजेक्ट किसी बच्चों को दिखाया जाएगा या फिर वो खुद करेंगे। खुद करने से क्या होता है कि उनको पता चलता है कि कब कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कैसे निकाले। इस मकसद में आयोजक काफी हद तक सफल दिखाई पड़े, क्योंकि छात्रों ने अलग अलग अनुभवों को लोगों के साथ बांटा और लोगों ने भी इसे जानकर छात्रों की प्रतिभा को समझने की कोशिश की। सूरत से सुनील पाटिल की रिपोर्ट। स्कूल डीआर तारापुरा भूलका सागर विद्यालय आज 11/9/2018 ने मंगलवार शाला विकास संकुल 7 जमदग्नि जिला शिक्षण अधिकारी कचेरी सूरत द्वारा विज्ञान मेला गणित विज्ञान प्रदर्शन अमरी स्कूल में आयोजन कर जेमा कुल अंदाजे 52 स्कूलों भाग लीधेलो से अने मुलाकाती तरीके 3,000-3,500 जेटला विद्यार्थियों वालीओ आ विज्ञान मेला की मुलाकात लेवाना है।